सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर वो हमको कुछ ऐसी बातें कर दे कि हमको बहुत ज़्यादा हर्ट हो, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अब आप सोचेंगे कि मैं इस बात पर हंस क्यों रहा हूँ। बेटा, समझने वाली बात यह है कि अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, दिल दुखाने वाली बात बोल रहा है, तो उसकी कोई लैंग्वेज होगी और वो लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, और वो लैंग्वेज जब आपको समझ में आएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोई फीलिंग आएगी, है ना। उसके अकॉर्डिंग कोई फीलिंग आएगी। अब जब वो फीलिंग आएगी तब आपका ब्रेन ये जज करेगा कि वो बात दिल दुखाने वाली है या हंस देने वाली है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान ने आपको कोई ऐसी बात कही, ठीक है, समझना बात को, अगर किसी इंसान ने आपको कोई ऐसी बात कही जो दिल दिखाने वाली है, लेकिन वो उसने ऐसी लैंग्वेज में कही जो आपने समझी नहीं, ठीक है। सपोज़ कि अगर आप हिंदी भाषी हो, आप साउथ इंडिया जाते हो और आप किसी जगह पे खड़े हो के कुछ इंतज़ार कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसने आके कुछ बहुत बुरे तरीके से आपको कह दिया कि बड़ा 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 कुछ 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 भी बोल दिया, ठीक है, समझिएगा। तो हो सकता है कि वो आपको फ़नी लगा, देखो मेरी बात आपको फ़नी लगी ना, हो सकता है मैं अपनी लैंग्वेज में कुछ गलत बोल रहा हूँ आपको, है ना, लेकिन वो फ़नी लगी आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको कुछ भी बोलता है और वो चीज़ आप फील करते हो, उसको पहले तो एक्सेप्ट करोगे, सुनोगे, समझोगे, एक्सेप्ट करोगे, और एक्सेप्ट करने के बाद तो उसके साथ अपनी फीलिंग जोड़ोगे। अगर आपने उसमें अपनी कोई फीलिंग नहीं जोड़ी, ठीक है, अगर आपने कोई फीलिंग नहीं जोड़ी तो क्या हो जाएगा, वो बात का कोई मायने ही नहीं रह जाएगा आपके लिए। आपने सिर्फ इतना करना है कि वो जो बात आ रही है उसको अंदर आने ही नहीं देना, उसको पकड़ना है, ज़मीन में फेंक देना है, ख़त्म। रिएक्ट ही नहीं करना है, मैं तो बोलता हूँ रिएक्ट ही मत करो। मतलब कि ये नहीं कि हंस दो, हंस दोगे तो क्या है, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ईगो हर्ट हो जाएगा। किसी का ईगो हर्ट करना कहीं पर भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे झगड़ा बढ़ेगा ही, और हो सकता है कि वो बोलने बोलने में अपनी लिमिट क्रॉस कर दे, और शायद वो लिमिट क्रॉस होने के बाद आप उससे अपनी फीलिंग को डिटैच ना कर पाओ। तो रिएक्ट ना करो और आगे बढ़ जाओ, ये सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन समझना, रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है बेटा। आप हस्बैंड वाइफ हो, आप मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या अपने दोस्तों के साथ हो, तो वो आपको कुछ ऐसा बोल रहा है ताकि आपको कोई बात समझ में आए, कुछ फील हो एटलीस्ट कि यार कुछ काम कर लिया कर, हाँ इस तरह पढ़ा रहेगा तो क्या है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी अगर बोल देता है, या पढ़ाई कर ले तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, माँ बाप ऐसे बोल देते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में ये थ्योरी मत अपना, इससे रिलेशनशिप और ख़राब हो गई, इनफैक्ट आप उनको और बुरा फील कराओगे। एटलीस्ट उनकी खुशी के लिए आप ये दिखा दो कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है, आप रो के दिखा दो, आप दुखी होके दिखा दो, आप परेशान होके दिखा दो उनकी खुशी के लिए, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ये तो बात सही है ना, वो जो बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं, वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि आप अपनों को पहचानते हो, अपनों की एक पहचान होती है ना, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपको खाने के लिए पूछते हैं, हाँ जो आप दुखी होते हो तो आपको सहारा बनते हैं, जो आपके साथ घूमने जाते हैं, जो आपके ऐसे मोमेंट में आपके साथ होते हैं जब आप वल्नरेबल कंडीशन में हो, दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, भाई बहन है, मम्मी है, पापा है, माँ बाप खाना दे रहे हैं ना, इतना काफ़ी है ना। तो कहीं बाहर घूमने जाओ और एक टाइम का खाना खरीद के देखो, 3-4 दिन के लिए बाहर जाओगे तो सिर्फ खाने पीने का ही बिल कितना हो जाएगा बेटा, सोच के हालत ख़राब हो जाती है, मैं घुमाऊँ, है ना। तो माँ बाप खाने को पूछ रहे हैं इतना बहुत है, इट्स ओके कि वो नेगेटिव हैं, इट्स ओके कि माँ बाप हमेशा सही नहीं होते हैं, बट कुछ भी हो माँ बाप हैं, घर वाले हैं, आपके अपने हैं, क्योंकि जो सबसे बेहतर आपके पास हो सकता था वो अभी है, आपके व्यवहार से, आपकी अच्छी किस्मत से, जिसे सो कॉल किस्मत बोलते हैं, आपकी आपके लोक व्यवहार से आप और अच्छे अपनों को अचीव कर लोगे, पा लोगे। लेकिन अभी जो है बेटा यही है कि कल को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ कि कल को अपनी साइकिल से जाते हुए, गाड़ी से जाते हुए अगर गिर गए, पैर टूट गया, तो बिस्तर में टॉयलेट और पेशाब कराने के लिए वो घर वाले ही आपका साथ देंगे, है ना। तो उनकी बातों को बुरा नहीं मानना है, और मान
ना है, तो एटलीस्ट ये जो मैंने थ्योरी बताई कि उनकी लैंग्वेज को कुछ और लेके सुन लेना या उनको समझना ही मत या फील ही मत करना, ठीक है, रिएक्ट करना कि आपको फर्क पड़ रहा है उनके बोलने से।